नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है, क्योंकि सीएम योगी के एक दांव से पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। सपा से विधायक नितिन अग्रवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव लड़वाया और जब नतीजे आए तो नितिन अग्रवाल 304 वोट पाकर जीत गए। सपा के प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा को महज 60 वोट मिले हैं और इन नतीजों से यह साफ हो गया है कि आज भी यूपी में बीजेपी का डंका है। नतीजों के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने एसपी में जारी परिवारवाद पर भी तीखा प्रहार किया। ऐसे में सवाल यह बनता है कि 2022 से पहले बीजेपी ने क्या यह ट्रेलर दिखाया है? सीएम की जो हुंकार है, विपक्ष इस पर पलटवार कैसे करेगा? परिवारवाद पर सीएम योगी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है और 22 से पहले क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आज इसी पर हम करेंगे आज की बहस, लेकिन उससे पहले सवाल है ये भी हम आपको दिखाते हैं। सवाल यही है आज की बहस का कि 22 से पहले क्या बीजेपी के ट्रेलर के तौर पर इसको देखा जाए? सीएम ने आज जो बातें कही हैं, विपक्ष उसका जवाब कैसे देगा? परिवारवाद पर सीएम योगी के क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है? और 22 से पहले क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? सवाल इस बात का भी है। तो कुल मिलाकर के ये बड़े सवाल हैं। हालांकि विधानसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिन बातों को कहा या जिस तरीके से ये पूरा चुनाव हुआ उसके बाद भी कई सवाल हुए, लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है, उनके ही विधायक को आप देखें भारतीय जनता पार्टी खुद समर्थित करके विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर देती है और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद ये भी कहती है कि किस तरीके से आप देखिए कि आपका जो मान सम्मान है आपकी पार्टी में नहीं हो रहा था। ये बातें तमाम मुख्यमंत्री ने अपने उस बयान में कहीं जब आज विधानसभा के इस विशेष सत्र में बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज क्या कुछ कहा गया डिप्टी स्पीकर बनने के बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा और विधानसभा के बाहर भी क्या कुछ पॉलिटिकली रिएक्ट किया गया, सुनिए। अंततः जब ये हुआ कि विधानसभा का कार्यकाल अगले 6 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा, अच्छा है कि हम लोग भी किसी युवा को यह दायित्व दें और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ साथ अनुभवी सदस्य को आज विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इस माननीय सदन ने चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो कुछ भी हो रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर है, मेरे पीछे भी स्क्रीन लगा हुआ है और विधानसभा में भी स्क्रीन लगा हुआ है। ये जो हार रहे हैं, जिनके पास न संख्या है न नैतिकता है, तो उनको कुछ ना कुछ कहना है। जो बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहाँ पर हो रही है ये भी तो बताएं। और सारी की सारी चीज़ कैमरे में होती है, विधानसभा की सारी कार्रवाई जनता के बीच में भी प्रसारित होती है, तो क्योंकि उनके पास ना तो संख्या है ना नैतिक बल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितनी अलोकतांत्रिक है, राजनीति के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी अलोकतांत्रिक सरकार कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी। जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी मैं लॉबी में था, लॉबी में वो चित्र दिखाई पड़ता था कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जो बैलेट बॉक्स जो रमानी रामगोविंद जी ने मांग किया कि उसको आपने बेल के बीच में कहा था कि हम बेल के बीच में रखेंगे, उसे न करके आपने सत्ता पक्ष के एकदम किनारे में कर दिया। क्या हो रहा है? एक तो आप नियमों को बलाए ताक पर रख करके, परंपराओं को बलाए ताक पर रख करके आपने चुनाव कराया, विपक्ष के पद को सत्ता पक्ष को दे रहे हैं। ये सरकार और विपक्ष के बीच की बात है तो इसमें या तो विपक्ष की बात, विपक्ष को अपनी बात कहने का राइट है और सत्ता पक्ष को इस विषय पर दोनों लोग खूब डिबेट कर रहे हैं। हम तो विधानसभा तक सीमित हैं। तो विधानसभा का उपाध्यक्ष आज जिस तरीके से नितिन अग्रवाल को चुना गया है उसके बाद ही कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिस तरह का आज विधानसभा के अंदर भाषण रहा है या जो आज बयान दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो भी गौर करने वाला है। सीधे तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कई बड़ी बातें कहीं, जिसमें उन्होंने इन बातों का भी जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी को परिवारवाद से बाहर निकलना होगा। और आप देखें, चूंकि अगर आप नियम की बात करें या फिर परंपराओं की बात करें, तो नियम ये है कि जो प्रमुख विपक्षी पार्टी होती है विधानसभा का उपाध्यक्ष
दरअसल उसी पार्टी से होता है। लेकिन अब जिस तरह से इस बार ये राजनीतिक क्रम देखने को मिला, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें नितिन अग्रवाल चुने गए, 304 मत उनको मिलते हैं। नरेंद्र सिंह वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे उनको 60 मत मिलते हैं। और उसके बाद तमाम तरह के सवाल आज विधानसभा के अंदर उठे हैं। अब आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इसको किस तरह से देखा जाए और क्या ये 2022 का एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे कि 2022 में जो होने वाला है वो आज विधानसभा के अंदर हुआ है, वो दिखा है आपको। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी को भी जनता है वो बताएगी, और यही हाल विधानसभा चुनावों के अंदर भी होगा। तो कुल मिलाकर के आज ये जो स्थितियां बनी हैं और आज जिस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है आज उसको किस तरीके से देखा जाए और उसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पुष्पेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिंह जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कौशल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी आपका भी स्वागत। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं SBSP के। उमाशंकर राजभर जी आपका भी स्वागत। और दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं PSPL के। दीपक मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी आपसे ही आज की चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा। एक तो आज विधानसभा के उपाध्यक्ष जिस तरह से चुने गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिन बातों को कहा उसको कैसे देखा जाए, उसके क्या सियासी मायने समझे जाएं, और साथ ही साथ विपक्ष जो बात बार बार कह रहा है कि आप लोगों ने जो संसदीय मान्यताएं हैं या जो संसदीय परंपराएं हैं उसका पालन नहीं किया, उसको तोड़ा है, आप लोगों का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, तो तमाम तरीके के आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि उसका भी आप जवाब दें। डॉक्टर कौशल मिश्रा जी देखिए, पहले तो नितिन जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा जिनको चुना गया है, और विपक्ष का काम है हर चीज में कुछ न कुछ बात बोलना, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। आपने देखा कितनी शानदार जीत हुई है, 304 वोटों से जीते हैं, और उसके बाद जैसे कि चुनाव जीतने के बाद इलेक्शन में EVM का मुद्दा होता, उसी तरीके से इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए। और सबसे बड़ा जो विपक्षी पार्टी सपा है वो ये चाहती थी कि मतलब जिस तरीके से उसमें परिवारवाद भरा हुआ है, एक ही परिवार के सारे लोग कुछ न कुछ बने, तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि एक समाजवादी पार्टी का एक युवा चेहरा जो है जिसको कि उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया है और जो जिसकी प्रचंड जीत हुई है, और इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये केवल अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, तो जिसका आप पूरी पिक्चर आपको 2022 के इलेक्शन में देखने को मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं विधानसभा में जो हुआ है यही उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में। लेकिन डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, ये पिक्चर कैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार तो आपके पास जो मैंडेट था वो तो 2017 का है, उसके हिसाब से आपके पास जो संख्या बल था उसमें आपने बना लिया। लेकिन अब विपक्ष का कहना यह है कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं इसका जवाब जनता आपको देने वाली है, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये 2022 का जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है? आपको शायद याद नहीं है कि ये बोला गया है माननीय योगी जी की तरफ से कि इस बार 350 पार, तो ये इसलिए पिक्चर का ट्रेलर था और अभी पूरी पिक्चर बाकी है, तो ये मान के चलिए कि इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 350 पार करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और जिसकी वानगी आपको अभी आप इस इलेक्शन में उपाध्यक्ष में देखने को मिली। प्रदीप सिंह जी आपका भी एक रिएक्शन मैं चाहूंगा। एक तो आज विधानसभा के उपाध्यक्ष को लेकर के आज जो बातें मुख्यमंत्री ने कही और उसके अलावा अभी यहां पर भी जो बात डॉक्टर कौशल मिश्र जी कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें प्रदीप जी। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही, जिस व्यक्ति पर चर्चा हो रही, जिस व्यक्ति को आज सदन से बाहर होना चाहिए था, जिस पर आरोप होना चाहिए, जिसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए थी, आज उनके विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने पर चर्चा हो रही है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र पे इससे ज्यादा भद्दा मजाक हो नहीं सकता। आप लगातार देख रहे हैं जहां जहां पर जो सीधे चुनाव की स्थिति आती है भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे हटती नजर आ रही है और कमजोर होती नजर आ रही है। आज भी क्रॉस वोटिंग की स्थिति देख लीजिए, तमाम परिस्थितियां सामने हैं। आज जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करनी चाहिए थे, महंगाई पर चर्चा करनी होनी चाहिए थे, बिजली के दामों पर चर्चा होनी चाहिए, पेट्रोल के बड़े दामों पर चर्चा होनी चाहिए, आम जो वस्तुएं हैं, आम जनता की उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके बढ़े हुए दामों पर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से ये घटना घटित हुई लोकतंत्र पे, इससे ज्यादा भद्दा मजाक हो नहीं सकता। दीपक मिश्र जी, चूंकि आज मुख्यमंत्री की तरफ से परिवारवाद की बात उठी, हालांकि वो तो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तक इस परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक समाजवादी पार्टी या विपक्ष का कुछ भला होने वाला है नहीं,
साथ ही साथ आज जिस तरह से विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जो निर्वाचन हुआ आज, उसको आप कैसे देखते हैं? एक रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा। जी देखिए आयुष जी, मैं संसदीय अध्ययन संस्थान का सदस्य हूं, जिसकी स्थापना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने की थी संसदीय प्रणाली की सशक्तिकरण के लिए। उसके जो बुकलेट्स आते हैं उसको पढ़ते हुए मैंने ये पाया कि संसदीय परंपराएं में ही संसद की आत्मा निहित है। संसद की, जब हम संसदीय शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा सभी आते हैं। संसदीय प्रणाली होती है आज संसद की, लोकतंत्र की और संसदीय प्रणाली की आत्मा को कुचला गया है। 1975 में जिसको कहा जाता है कि कांग्रेस ने आपातकाल आरोपित करके लोकतंत्र को कुचला था, उस समय भी शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के नहीं थे। दूसरी बात आप देखिए, हुकुम सिंह जी भाजपा के उपाध्यक्ष बने थे, उस समय सरकार कांग्रेस की थी। ऐसे ही आप देखिए मायावती, जिनके बारे में कहा जाता है कि तानाशाह, ये भाजपा कहती है, पर उन्होंने भी किसे बनाया था? उन्होंने भी बनाया था राजेश अग्रवाल जी को बनाया था। राजेश अग्रवाल जी तो भाजपा के ही है ना, उन्हें नेताजी के समय में उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो अब आप बताइए, प्रहसन इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या हो सकता है? आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें, फिर दिखाया करें। परिवारवाद का नग्न नर्तन आज विधानसभा में हुआ है। कौन है नितिन अग्रवाल? मैं जानता हूं, यह रिश्तेदार हैं पीयूष गोयल, भाजपा के एक बड़े नेता के। यह पुत्र है नरेश अग्रवाल के और रामलाल जी के, तो सभी जानते हैं कि इतने रिश्तेदार हैं। तो परिवारवाद तो उनके ऊपर हावी हो रही है ना। आज उन्होंने 3 पीढ़ी का परिवारवाद को स्थापित किया। दरअसल कुछ चालाक चोर हुआ करते थे गांव में, जब वो चोरी कर लेते थे तो चोरी करके निकलते थे, दूसरे साथी को सामान दे देते थे, तो अपने चोर चोर चिल्लाने लगते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है। क्या राजनाथ सिंह अलोकतांत्रिक थे? राजनाथ सिंह की जब सरकार थी तब विपक्ष के उपाध्यक्ष बने थे विधानसभा में। आज मुझे कहते हुए अपार दुख हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और योगी की भारतीय जनता पार्टी ने, अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी की जो थोड़ी बहुत आत्मा शेष थी उसे कुचल दिया, एकात्म मानव दर्शन को एक मानववाद में बदल दिया। आप बताएं क्या योगदान है? जनसंघ के जमाने के कई बड़े बड़े विधायक उसी विधानसभा में बैठे थे और उठाकर एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसे दल विधेयक अधिनियम के तहत बाहर जाता है। और मान्यवर एक रहस्य उद्घाटन कर दो, पता नहीं क्यों यह मीडिया इस पे नहीं समझ पाई या विपक्ष नहीं घेर पा रहा है, दल बदल अधिनियम के तहत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाती। उपाध्यक्ष इसलिए बना दिया गया कि एक संसदीय पीठ के नाते, एक विधानसभा की महत्वपूर्ण पीठ की आड़ में एक पाप बच सके। नैतिकता अगर है मेरे छोटे भाई नितिन अग्रवाल में तो इस्तीफा दे, चुनाव लड़े और दोबारा बने। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 3-4 महीने में चुनाव होने वाला है, इसकी जरूरत क्या थी? मैं तो इसके औचित्य पे ही सवाल खड़ा कर रहा हूं। प्रक्रिया तो गलत हो ही गई, छोड़िए, बाकी आपके पास संख्या है, आप जो चाहे सो करेंगे। चलिए दीपक जी, दो बड़ी बातें आपने कही, एक तो आपने कहा इसका औचित्य क्या है और इसके अलावा आपने जो और सवाल उठाया उसका भी मैं जवाब ले लूंगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उमाशंकर जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। आयुष जी देखिए, आज तो संसदीय मर्यादाओं का हनन हुआ है। एक्चुअल में जो होना चाहिए था कि मिल बैठ करके यह जो पद है विपक्ष को जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब विपक्ष के बागी नेता नितिन अग्रवाल जी को ही चुनना था, यह तो बैठ करके सपा का भी काम था, बैठ करके जो संसदीय कार्य मंत्री करना दिए उनके साथ बैठ करके एक निर्दलीय कोई जो है निर्विरोध चुना जा रहा था, लेकिन यह आज चुनाव हुआ यह बहुत दुखद है। दूसरी बात, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय प्रकाश राजभर जी, यह जो भाजपा है जो संसदीय परंपराओं का हनन कर रही है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं कर रही है, इसके लिए इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन सपा को भी ये सोचना चाहिए कि आप इसमें सहभागी हो रहे हैं क्योंकि आपका ही वो विधायक है। अब तक तो आपको क्लेम कर देना चाहिए था विधानसभा अध्यक्ष के पास कि हमारा बागी है, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सपा की भी चाल है, सपा जो है यह काम नहीं कर पाई, जिसका मौके का फायदा उठा करके भाजपा ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, पुष्पेंद्र जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती, चाहे वो भारतीय संसद हो, वहां बहुमत
के आंकड़े नहीं होते हुए भी किसान बिल को पास करा लेने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बहुमत होते हुए भी ऐसा आचरण करना जो मर्यादा के खिलाफ है। जब एक चीज तय है या एक परंपरा बनी हुई है कि इस पद को विपक्ष को देना चाहिए, तो यहाँ इस तरह की जो अलोकतांत्रिक ढंग से इस प्रक्रिया को किया गया वो कहीं से भी उचित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यहां तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है सदन में, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये सर्वविदित था कि वही अग्रवाल साहब ही जीतेंगे। लेकिन यहां क्या था, मायने क्या थे, यहां सिर्फ एक सियासी संदेश देने की रणनीति थी और दोनों की थी। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी दोनों की नीयत थी कि एक सियासी संदेश दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को खुश करना चाहती थी अग्रवाल को ला करके, और समाजवादी पार्टी नरेंद्र वर्मा के जरिए पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि ये जो जातिवाद की राजनीति है, ये जो परिवारवाद की राजनीति है, या जो धार्मिक उन्माद की राजनीति आज तक होती आई है, इसी राजनीति पर प्रहार करने पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्त बिजली के लिए, 24 घंटे बिजली के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए जनता वोट करेगी उत्तर प्रदेश में, अपने लिए वोट करेगी, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए वोट करेगी। और ये जो जातिवाद, परिवारवाद और धार्मिक उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगी। ये कहीं भी अब चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज को दोहराती है। आपको याद होगा संसद में किसान बिल पास हो रहा था, लगातार हंगामा हो रहा था, राज्यसभा में इनका बिल्कुल भी बहुमत नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, बावजूद इसके असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से उसको पास कराया। नतीजा क्या हुआ कि आज उसको आपको सस्पेंड करना पड़ा। किसान बेचारे एक साल से धरने पे बैठे हुए हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गाड़ियों से कुचल रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उन पर तरह तरह के लांछन लगा रहे हैं, कभी खालिस्तानी बता रहे हैं, कभी आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, उससे लोकतंत्र की मर्यादा की नैतिकता की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। भारतीय जनता, अभी आपने देखा होगा, अभी मैं 5 सेकंड में खत्म करता हूं अपनी बात। अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, महीने दो महीने पहले की बात है, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबल धनबल और पुलिस बल के साथ मिलकर के नंगा नाच खेला। महिलाएं जो जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने आई थी, जो चुनी हुई जिला पंचायत सदस्य महिलाएं थी, उनका किस तरह से चीर हरण किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और जो लोग लड़ना चाहते थे उनको जबरन घरों में बिठा दिया गया। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीतने में सफल हो गई जिला पंचायत अध्यक्ष के पद, जहां पे उसके जिला पंचायत के सदस्य तक निर्वाचित नहीं थे। इससे बड़ी आप क्या कल्पना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जहां अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, मनमाने फैसले कर रही है और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। डॉक्टर कौशल मिश्र जी, तमाम बातें यहां पर आई हैं, बहुत सवाल हैं विपक्षी, उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये संसदीय मर्यादाओं का आप लोगों ने पालन किया है या आप लोगों ने कोई संसदीय मर्यादा को नहीं तोड़ा है, तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि कहा तो ये जाता भाई विपक्ष जो है उसी का ही कोई एक नेता विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, ये परंपरा क्यों तोड़ी है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपके जवाब आप देखिए ना, नितिन अग्रवाल जी आज भी सपा के कैंडिडेट हैं, सपा के विधायक हैं, उनका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हुआ है, वो विधानसभा के मेंबर हैं। तो जो सबसे बड़ा विपक्ष होता है उसी के एक नेता को चुना जाता आया है, आज भी वही चुना गया है। तो आज मुझे नहीं समझ में आ रहा लोगों को ये बात इतने कष्ट क्यों दे रही है, हो क्या रहा है कि जो विपक्ष है वो खुद डिवाइडेड है। देखिए कांग्रेस वॉकआउट करके चला गया, ठीक, आम आदमी पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं जातिवाद और परिवारवाद की बात, आप देखिए इसमें भी उन्हें जाति नजर आ रही है, इसमें भी उन्हें अगड़ा और पिछड़ा नजर आ रहा है, जबकि हमारी पार्टी का एक ही मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी फॉर्मूले पे चल के आज तक के भारत के संसदीय इतिहास में ये पहली पार्टी है जिसने हमेशा पहले दिन से लेके आज तक और आगे भी सबका साथ और सबका विकास की बात की है,
और ये लोग जो अपने परिवारवाद की पार्टियां चलाते हैं या जातिवाद की पार्टियां चला रहे हैं, वो हमें जातिवाद और परिवारवाद का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, सपा देख लीजिए, वो एक परिवार निहित है, बसपा देख लीजिए, वो भी एक परिवार निहित है, कांग्रेस में कभी आज तक बिना परिवार का कोई अध्यक्ष चुनाई नहीं गया, अभी भी दोबारा चुन के आ रहे हैं। तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टी जातिवाद और परिवारवाद में डूबी हुई है, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी बड़ा होकर के एक मंत्री बन जाता है या कैबिनेट मंत्री बन जाता है या लोकसभा या विधानसभा का स्पीकर बन जाता है। यहाँ पे कोई परिवारवाद और कोई जातिवाद आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि इनको अपनी राजनीति केवल जाति और तो पूरा समय निकल गया। अगर ये काम आपने, ये काम अगर आपने सत्ता संभालते ही कर दिया होता तब तो समझ में आता। आप मुझे बताइए, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, औचित्य पर सवाल यहाँ पर खड़े किए दीपक जी ने भी, कैसे इसका क्या औचित्य था अभी भाई? अब तो 4 महीने या 5 महीने का वक्त बचा हुआ है, क्यों नहीं इसको समझा जाएगा कि आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हम संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में हम 350 पार हैं, और यही वजह है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उसमें आप देखिए 304 वोट से जीते हैं। ये फ्यूचर का एक आईना है जो विपक्ष को दिखाने की कोशिश है, और प्रदेश की जनता सरकार के साथ है। आप देखिएगा, हम 350 के साथ दोबारा आएंगे, और विपक्ष जब हारता है तो वो ईवीएम पे सवाल उठाता है, संसदीय प्रणाली पे सवाल उठाता है। ये वही विपक्ष है जिसने धारा 370 खत्म होने के बाद भी विरोध किया था, ये वही विपक्ष है जिसने राम मंदिर न बनने के बाद विरोध किया था, ये वही विपक्ष है जिसने जब पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होती, एयर स्ट्राइक होती है, उसका विरोध किया। तो विपक्ष तो मति भ्रष्ट हो चुका है, उसे कहीं पे भी ये नजर नहीं आता कि देश कहाँ पे है, प्रणाली कहाँ पे है, संसद कहाँ पे, उसे हर जगह जातिवाद और परिवारवाद ही नजर आ रहा है। नहीं तो आप ये समझिए, धारा 370 पे भी क्वेश्चन उठाया गया था ना इसी तरह से, तो आज अगर इस पे उठा रहा तो उठाता रहेगा। विपक्ष बिल्कुल वही कर रहा है जैसा उसने पहले किया है, आज भी कर रहा है। वो जीतने के बाद ईवीएम की वाहवाही करता है और हारने के बाद ईवीएम की कमियां बताता है, वही आज विपक्ष कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। ये याद रखिए, अगले आने वाले विधानसभा इलेक्शन के बाद आप देखिएगा 350 सीटों के साथ बहुमत। ठीक है डॉक्टर कौशल मिश्रा जी, बिल्कुल एक लाइन में मुझे एक लाइन में बिल्कुल सवाल का ये जवाब दीजिए। आप ये बिल्कुल मान रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई संसदीय मर्यादा का यहाँ पर ऐसा नहीं है जो उल्लंघन किया गया, जो हुआ वो बिल्कुल ठीक है? आप बताइए, कानून के हिसाब से चलिए, नियम कानून जो लिखे गए उसके हिसाब से चलिए। सपा के मेंबर है, सपा का विधायक है, सपा इस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष की, और उसके अगर विधायक को लोकसभा स्पीकर बनाया जाता है तो इसमें असंसदीय कहां है, आप बताइए। चलिए अब मैं इस पे एक एक रिएक्शन लेता हूं, प्रदीप जी। तो फिर सपा के कैंडिडेट पे आप ये देखिए, अगर ये समाजवादी पार्टी के विधायक को उन्होंने उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशा में समर्थन दिया तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो क्या कर रहे थे? आप परिस्थितियां देखिए, आप साफ साफ है, एक लगातार देखते चले आए, चाहे लोकल पार्टी का चुनाव हो, चाहे जहां जहां पर जनता से सीधे चुनाव हो रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पीछे होती जा रही है। उसके बावजूद भी जब लोकल पार्टी के चुनाव में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो इनसे कम होते हैं, और जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष की बात होती है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग हो रहा, बाहुबल का प्रयोग हो रहा, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे लगातार ये मान के लोकतंत्र पे कुठारकार लगातार करती चली आ रही, और ये इनका सिद्धांत रहा है हमेशा, लगातार लोकतंत्र पे पहला हमला अगर कहीं से होता तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होता है, और ये कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते। और आज की भी परिस्थितियों में जिस तरीके से ये प्रक्रिया हुई है, लोकतंत्र के साथ बहुत भद्दा मजाक है, इससे भद्दा मजाक हो नहीं सकता, और आने वाले समय पर जनता इनको ये सबक सिखाएगी। आज सवाल जिन मुद्दों पर होना चाहिए, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, आज उन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। ठीक है दीपक जी, दीपक जी इसमें क्या असंसदीय है ये समझना चाहूंगा मैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मर्यादाओं का तो खुला उल्लंघन इस तरीके से किया गया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो तो सपा के थे, अगर वो सपा के विधायक थे तो दल बदल कानून के तहत तो उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए थी। चलिए समाप्त नहीं हुई, आज या तो योगी जी सही हैं, ये राजनाथ सिंह जी गलत थे,
या राजनाथ सिंह जी सही थे, योगी जी गलत हैं, यह भाजपा के प्रवक्ता को स्पष्ट करना पड़ेगा। परंपरा ये रही है कि उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को दिया गया है और इसलिए दिया गया है ताकि सदन के अंदर लोकतंत्र की आत्मा कुंठित न हो, कुचला न जाए। तो आज तो भाजपा ने पूरी की पूरी इस परंपरा को कुचल दिया। ऐसी ही एक गलती कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने किया। कौशल मिश्रा जी कह रहे हैं कि टेक्निकली अगर आप देखें तो वो समाजवादी पार्टी के हैं। टेक्निकली अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो आप उसको मान लीजिए कि वो समाजवादी पार्टी के ही है। टेक्निकल तो चलिए मान लेते हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट को तो ये जिताना चाहिए था ना। इनके सभी सम्मानित सदस्यगण बैठ जाते और कहते कि भाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, प्रेक्षित समाजवादी पार्टी, ये आपस में तय कर ले और एक नाम दे दे, हम उसे मान लेंगे। वहां टेक्निकली भी सही होता। दरअसल इन्होंने ये किया है कि लोकतंत्र का आस्तीन पकड़ने की बजाय इन्होंने बाजू पकड़ा है। तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल यह है कि तुमको भी ये यकीन नहीं। दरअसल ये वो लोग हैं जो अंधे को अंधेरे का गुमान दे देते हैं। अरे मान्यवर, हम मान लिया कि दुनिया गलत है, अब आप बताएं राजनाथ सिंह जी गलत थे या योगी जी सही हैं? अगर योगी जी सही हैं तो राजनाथ सिंह जी गलत थे। लेकिन दीपक जी, क्या समाजवादी पार्टी भी इसके लिए बराबर से जिम्मेदार नहीं है? क्या ये अवसर समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को कि वो यहां तक करने की स्थिति में आ गए? समाजवादी पार्टी की भी जिम्मेदारी इसमें तय करेंगे कि नहीं करेंगे? काश ऐसा दिन न देखने को मिलता जब नितिन अग्रवाल जी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था और ये तय था कि छोड़ना था। हम लोग तो प्रतिबद्ध समाजवादी रहे हैं, चंद्रशेखर जी के शिष्य रहे, जाट साहब के साथ धरना देने का अवसर प्राप्त हुआ। जितने भी सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञ हैं वही दल बदलते रहते हैं। नरेश जी कुछ दिन पहले बसपा में थे, उनके पुत्र भी वहीं थे, फिर ये समाजवादी पार्टी में आए, उनके पुत्र भी वहीं आए, भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके पुत्र भी गए। और एक मैं और विचित्र इतिहास बता दूं, जिस दल ने इन अग्रवाल बंधुओं को अग्रिम पंक्ति में लाए, अग्रगणी बनाया, वो तो यहां से चले गए बहुमत के साथ। बसपा ने बनाया, गई बहुमत के साथ, बहुमत की सरकार थी, बहुमत से गई। सपा ने बनाया, बहुमत की सरकार थी, बहुमत से गई। अब तक भाजपा उनको बंद कमरे में रखी थी, अरे भाई रहन दो। अब भाजपा ने भी वही गलती कर दी, भाजपा भी जाएगी। चलिए ठीक है, इसके लिए इंतजार कर लेते हैं, इसके लिए चुनावों का इंतजार कर लेते हैं। देखिए आपने देखा, चुनावों का इंतजार करते हैं, आप देखते हैं। से सपा में गए तब संवैधानिक था, जब सपा से उमा शंकर जी का कौशल जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा क्योंकि सवाल अभी आपके लिए आएंगे सारे को देखते हुए। ठीक है, कौशल जी जवाब दीजिएगा। ठीक है, उमा शंकर, अब उमा शंकर पाल जी और नेताजी की सरकार ने राजेश अग्रवाल जी को बनाया था जो भाजपा के थे उपाध्यक्ष। ठीक है, उमाशंकर राजभर जी समाजवादी पार्टी को भी मानेंगे क्या इसके लिए उतना ही बराबर से जिम्मेदार, या लोकतंत्र का गला से भारतीय जनता पार्टी घोट रही? भाई जिसके लिए होना चाहिए पद उसका भी तो एफर्ट नजर नहीं आता ना इसके बीच में कहीं। उमाशंकर आयुष जी, ये तो सच्चाई है कि नैतिकता के आधार पे भाजपा ने गलत किया है, लेकिन टेक्निकली जो बात कर रहे हैं वो सही है कि अगर नितिन अग्रवाल जो है अगर निकले हैं, बागी है, उनको अभी तक जो है उनके पड़ेता जो है सपा के है, उनको विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए अध्यक्ष के पास एप्लीकेशन करना चाहिए था। लेकिन आप नरेश अग्रवाल या नितिन अग्रवाल का प्रवाह देखेंगे तो वह बसपा, कांग्रेस, सपा, भाजपा सबके साथ होते हुए आए हैं, तो नैतिक तो नितिन अग्रवाल भी नहीं है। और बीच में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव भी नरेश अग्रवाल के ऊपर डोरे डाल रहे थे पुनः सपा में आ जाए, तो चुनावी मंच से कह रहे थे कि आप छोड़ दीजिए। लेकिन नैतिकता के आधार पर जो है, नैतिकता का हनन जो भाजपा यह कहती है हम नैतिक हैं, नैतिकता का हनन हुआ है, संविधान की बात छोड़ दीजिए, लेकिन नैतिकता का हनन हुआ है। पुष्पेंद्र जी, टेक्निकली तो समाजवादी पार्टी के अगर वो हैं अभी भी, तो उसमें कहां से जो है आपको लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या इन्होंने कर दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही होशियारी से संविधान की धज्जियां भी उड़ाई और उसे नैतिकता का लबादा भी उड़ाने में कामयाब रही। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए,
नितिन अग्रवाल जी जो हैं वो सपा के विधायक रहे, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कवायद हो गई। अब अगर ये हमारे साथी प्रवक्ता कौशल किशोर जी अगर पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि वो सपा के विधायक हैं, तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि इन्होंने अखिलेश यादव जी से बात की क्या कि भाई हमने विपक्ष के एक विधायक को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विधानसभा में हम देना चाहते हैं, तो आप हमें एक विधायक दे दीजिए सपा का, या कोई नाम आगे कर दीजिए जिसको हम बनाना चाहते हैं। ईमानदारी से बताएं कौशल मिश्रा जी, क्या इन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से या उस पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व से कोई चर्चा करके नितिन अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है? और अगर बनाया है, उनसे चर्चा करके बनाया है, तो फिर सपा ने अपना प्रत्याशी नरेंद्र वर्मा जी को क्यों घोषित किया? तो ये बड़ा हास्यास्पद है, और भारतीय जनता पार्टी का जो दोमुहापन है वो एकदम साफ अब जनता देख रही है, उसके सामने बिल्कुल प्रकट हो गया है कि ये अपनी सिर्फ एक लाज बचाने के लिए कि वो तो सपा के हैं, वो तो सपा के। अरे भैया किसको बता रहे हैं आप? सारी दुनिया जानती है कि नरेश अग्रवाल जी आपकी पार्टी में है। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी आपकी ज्वाइन करी थी, और तब से आपकी पार्टी में, ये अलग बात है कि आपने उनको खास महत्व तो नहीं दिया। तो ये मत बरगलाइए कम से कम कि आपने सपा के विधायक को बना दिया, आपने सपा के विधायक को बना दिया, ऐसा मत बताइए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो समाजवादी पार्टी से आप बात करते, उसके मुखिया से बात करते कि भाई हमको कोई प्रत्याशी दीजिए अपनी पार्टी का, हम विपक्ष के नेता को विधानसभा का उपाध्यक्ष का सम्मान बनाना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये इनको पता है कि नितिन अग्रवाल कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, भले ही टेक्निकली तौर पे अभी वो सदस्य सपा की सपा पार्टी की तरफ से ही है विधानसभा में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हटाने की कोशिश कर रही है, इसमें कहीं कोई ईमानदारी नहीं है, और ये प्रदेश की जनता भी सब देख रही। दूसरी बात, ये कौशल मिश्र जी जब बात कर रहे थे अभी परिवारवाद की, सपा पे आरोप लगा रहे थे दूसरी पार्टियों पे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इनको मालूम नहीं है, इनका तो पूरी पार्टी ही परिवारवाद से भरी पड़ी है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो परिवारवाद की मिसाल हैं। आप उनका बेटा देखिए, हमारे यहाँ से विधायक हैं, पांच लोगों की पार्टी जिनकी है। अरे भैया पांच लोगों की पार्टी नहीं, आपके नाक में दम, पांच लोगों की पार्टी है और पांच लोगों ही परिवार के हैं, ठीक है। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें बहुत सारे परिवार हैं। हमारी पार्टी में पार्टी ही परिवार है, हमारे यहाँ परिवार में पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है। तो ये दल को आप पांच आदमी की पार्टी बता रहे हैं ना, हमने ही आपको दिल्ली में हमने ही स्कूटर वाली पार्टी बना दिया था, सिर्फ तीन विधायक जीते थे आपके, और लगातार दो बार सत्ता से बाहर किया आपको, पिछली बार भी नहीं, और इस बार मैं आपकी नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे भारत चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब परिवारवाद से भरी हुई है। आप जो अहंकार वाली भाषा बोल रहे हैं ना, कि बिल्कुल अहंकार की बात इसमें है ही नहीं, इसमें अहंकार की बात नहीं है। और जनता यूपी की बता देगी, जिस तरह से आपने बिल्कुल कोरोना काल में उनको अकेला छोड़ दिया, उनको मरने के लिए, कोरोना काल में चलिए ठीक है, अच्छा चलिए विश्व में सबसे अच्छा प्रबंधन किया गया कोरोना काल में, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोरोना काल में हुआ है, सबसे ज्यादा हेल्थ की फैसिलिटी कोरोना काल में दी गई है। कोरोना काल में तो WHO ने भी उत्तर प्रदेश के पीठ थपथपाई है। पुष्पेंद्र जी कोरोना काल में कौशल जी ठीक है, देखिए आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। पुष्पेंद्र जी देखिए, इस पर हम लोग चर्चा लगातार करते रहते हैं, लेकिन आज के मुद्दे पर थोड़ा सा हम लोग आज के मुद्दे पर रहते हैं। मुझे ये बताइए डॉक्टर कौशल मिश्र जी मुझे ये बताइए, क्योंकि ये सवाल जो बार-बार उठ रहा है कि अगर आप ये भी कह रहे हैं कि टेक्निकली भाई वो समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट थे, या समाजवादी पार्टी के ही वो अभी भी टेक्निकली हम मान के चलें कि वो नेता थे, तो फिर क्या बातचीत हुई थी समाजवादी पार्टी से, फिर उन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट क्यों उतारा? अगर इतना ही नैतिकता की आप बात कर रहे हैं या संसदीय मर्यादाओं की आप बात कर रहे हैं, पहली चीज मतलब सहमति समाजवादी पार्टी को तो नहीं थी, कम से कम सब ने ये मान लिया कि ये संसदीय प्रणाली के हिसाब से है टेक्निकली, और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया है। अब ये समाजवादी पार्टी का अंदर का झगड़ा है कि एक नहीं दो उम्मीदवार उनके खड़े हुए हैं। आपने देखा सभी जितने भी प्रवक्ता सबने ये माना कि ये संसदीय प्रणाली के हिसाब से हुआ है, टेक्निकली करेक्ट है, और लेकिन कौशल भाई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट होगा तो अखिलेश यादव जी बताएंगे ना कि कौन कैंडिडेट है, या उनकी तरफ से जारी होगा ना कि भाई ये हमारा कैंडिडेट। ये तो पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कि नहीं भाई समाजवादी पार्टी का ये विधायक है, इसको हम उपाध्यक्ष बनाएंगे।
ये तो पहली बार हो रहा है। आपस का झगड़ा है ना कि ये उनकी तरफ से दो लोग खड़े हो रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर समाजवादी पार्टी दो उम्मीदवार की तरफ से दो उम्मीदवार आएंगे तो हम किसी को भी चुनेंगे। इसमें तो हम बिल्कुल पूरी तरह से संसदीय प्रणालियों को फॉलो किया गया है। टेक्निकली जो अभी तक होता रहा है वही किया गया है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो जीते हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़के आए हैं। आज भी जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग बैठते हैं सदन में उन्हीं के साथ नहीं, नहीं, ये सारा क्राइटेरिया तो भाई मुझे बताइए, ये सारा क्राइटेरिया तो नरेंद्र सिंह वर्मा भी रख रहे थे ना भाई, वो भी समाजवादी पार्टी से तो है, ये हमारी आप उनको कर देते, आप उनको जिता देते। अगर आपको संसदीय मर्यादाओं का इतना ही वो था तो भाई ठीक है, उधर तो अखिलेश यादव जी का सपोर्ट था, उनको जिता देते। बताइए कौन थे भाजपाई, हमें अगर दोनों ऑप्शन मिले हैं तो हम किसी एक को चुन कर सकते हैं। हमने एक को चुना नहीं, ये ऑप्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा था, समस्या हो रही है। ये ऑप्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा था? अगर सदन पे समाजवादी की तरफ से दो लोग खड़े हो रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे कि समाजवादी की तरफ से ही ऑप्शन है और हमने एक को चुना। पूरी तरह से संवैधानिक है, संसदीय प्रक्रिया के साथ साथ चल रही है। भाजपा की रणनीति को आप समझिए, यह चाहते क्या थे? मैंने आपको बताया कि नरेश अग्रवाल जी, वह भी उनका जो प्रवाह देखा गया है, सपा बसपा भाजपा सपने है, और आज भी सपा जो है नरेश अग्रवाल के फेवर में है। तो यह तो नितिन अग्रवाल को सपा में न चले जाए, इसलिए केवल 4 महीने के लिए उनका कार्यकाल जो है यह डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। यह तो समझिए कि नितिन अग्रवाल को 22 तक रोकने के लिए यह लॉलीपॉप दिया गया है, इस बात को आप मानिए। जो है नितिन अग्रवाल को पूर्ण रूप से डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। महीना कितना, केवल एक बार जो विधानसभा चलना है, केवल एक बार ही चलना है, और जिसमें चलेगी उसमें विधानसभा स्पीकर का रहना बहुत जरूरी है। यह तो नितिन अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाएंगे, यह स्थिति है। केवल यह भगदड़ न मचे जो बार बार माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि 150 विधायक भाजपा से हमारे संपर्क में है, केवल उनको रोकने के लिए नितिन अग्रवाल जैसे लोगों को रोकने के लिए यह लॉलीपॉप का पद दिया गया है, और यह जो है 2022 के लिए जो इनके विधायक चलिए डॉक्टर कौशल जी, डॉक्टर कौशल जी देखिए दीपक जी का एक और सवाल था कि या तो उन्होंने कहा कि भाई या तो राजनाथ सिंह सही है या तो फिर योगी आदित्यनाथ सही है, आज के डेट में कोई एक के पाले में तो आपको जाना पड़ेगा, इसका जवाब दे दें आप पहले। राजनाथ जी के जमाने में राजनाथ जी सही हैं, आज योगी जी का जमाना है आज वो सही हैं, आगे कोई और आएगा वो सही होगा, और संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से सब सही हैं, तो इस पे डिस्प्यूट न सोचा जाए। और जो राजभर जी तो ये मान के चल रहे हैं कि पहले बीजेपी में थोड़ी बहुत नैतिकता थी राजनाथ सिंह के समय में, अब योगी जी के समय में सारी चौपट कर दी है, सब नैतिकता बेच के खा गए हैं, संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी है इन्होंने, ये तो कौशल जी खुद मान रहे हैं यहाँ बैठ करके। नहीं तो ये इतनी नहीं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं ना कि आप इसको ये साबित करिए कि भाई आप ये बताइए कि भाई ये लोकतंत्र का आनंद कैसे, कहां टूटी है, संसदीय मर्यादाओं का अवहेलना कैसे है, वो तो कह रहे हैं कैसे हुई बताइए ना आप मेरे को, आप वो कैसे बताइए, आप बताइए कैसे है। कानून तो कानून से चलेगा ना, जो जो संविधान में लिखा गया है वो फॉलो हो रहा है। आप केवल यहाँ पे गाल बजा करके ये करना चाहते हैं कि असंसदीय असंसदीय, आज तक क्या परंपरा रही है, आज तक डिप्टी स्पीकर जो परंपरा रही है वही परंपरा इस बार भी फॉलो हुई है। आप देखिए ना, आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग कह रहे हैं कि टेक्निकली सही है। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई सपा के कैंडिडेट हैं, सपा के विधायक हैं, तो जी भाई ने कहा नहीं कि आपने अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से दो उम्मीदवार खड़े होंगे तो ये हमें डिसाइड करना कि हम किसको चुनते हैं। हमने एक को चुना और वो 304 के प्रचंड वोटों से जीते। अरे भाई डॉक्टर जी, कौशल जी, आपने खड़ा किया ना, सपा ने कहाँ खड़ा किया नितिन अग्रवाल को, या आपकी कोई बात हुई है तो बताइए यहाँ चैनल पे बैठ करके, कहाँ हमारी बात हुई अखिलेश जी। अगर सदन के फ्लोर पे, अगर सदन के धरातल पे खड़े होकर के सपा की तरफ से दो लोग खड़े हैं तो यही माना जाएगा ना कि वो सपा की तरफ से खड़े हैं, क्योंकि वो अभी भी सपा के एमएलए हैं। नामांकन भरवाने योगी जी गए थे, नामांकन भरवाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, तो विपक्ष सबसे बड़े विपक्ष के नेता का नामांकन करवाने में क्या बुरी बात है, यही तो संसदीय परंपरा रही है। तो ये तो हमें डिसाइड करना है ना कि हम किसको भरवाते हैं।
चलिए दीपक जी से थोड़ा और समझेंगे। दीपक जी इसको 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 क्लैरिफाई करिए भाई, इसका क्लैरिफिकेशन कैसे देंगे कि भाई वो कैंडिडेट नहीं थे समाजवादी पार्टी के? अगर नहीं थे तो कौशल जी ठीक है, चलिए दीपक जी से समझते हैं। दीपक जी के पास इस विषय में थोड़ी ज्यादा जानकारी है, दीपक जी और बेहतर इसको समझा सकते हैं। पुष्पेंद्र जी दीपक जी से थोड़ा और समझते हैं। दीपक जी अगर टेक्निकली समाजवादी पार्टी के वो आज भी नेता हैं, फ्लोर में भी अगर उसी साइड पर वो खड़े हुए हैं, तो भाई वो समाजवादी पार्टी के ही हैं, और विपक्ष के नेता के सबसे बड़े नेता के चुनाव के तौर पर अगर वो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जा रहा है कि भाई चलिए ठीक है इनको हम कैंडिडेट के तौर पर ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? यही तो संसदीय मर्यादा है। देखिए सदन में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा नेता प्रतिपक्ष होता है, कोई और व्यक्ति नहीं, एक बात। दूसरी बात, प्रस्तावक कौन थे? क्या वो सपा के थे? अगर वो सपा के नहीं तो ये सपा के कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। तो देखिए नैतिकता, मर्यादा, संवैधानिक संविधान की आत्मा, आज इन सब को भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बना दिया है। राजनाथ सिंह जी ने विपक्ष के ही व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया था, चाहते तो अपना आदमी बना सकते थे अपनी पार्टी का। नेताजी ने भी, जो नेताजी शिवपाल जी की सरकार थी, उन्होंने बना। और मायावती जिनको ये लोग घोर अलोकतांत्रिक कहते हैं, उन्होंने भी लोकतंत्र की मर्यादा को रखा था, लोकतंत्र के आंख के आंसू को पोछना तो दूर, इन्होंने आंख के आंसू को सुखा दिया है। वो झूठ बोलता था बड़े सलीके से, हम एतबार न करते तो क्या करते, इस सलीके से ये झूठ बोलना, इतनी मासूमियत से कि जैसे राजेश, जैसे नितिन अग्रवाल जी और उनके पिता आदरणीय अग्रवाल जी आज सपा के तो मेंबर हैं नहीं। पीयूष गोयल जी ने टीवी के सामने उन्हें सदस्यता दिलाई थी, उनमें उनके पुत्र भी मौजूद थे। हाँ एक चीज और है, महोदय आप लूटिए, कुचल दीजिए लोकतंत्र को अपने कदमों तले, लेकिन कम से कम बाबा भारती मत बनिए। क्या हुआ था जब साधु का भेष बनाकर वो एक डकैत घोड़ा चुरा लिया था, तो उन्होंने कहा कि मुझे घोड़ा ले जाने का कोई दुख नहीं है, डकैती करनी थी कि डकैत के रूप में किया होता, साधु का भेष बनकर क्यों किया? यह काल नेमी की परंपरा राम का नाम लेने वालों के लिए शोभा नहीं देती। राम ने क्या किया था? राम ने विस्तार किया मगर किसी को हड़पा नहीं। राम अलंका जीते तो विभीषण को बनाया राजा, किष्किंधा जीते तो सुग्रीव को बनाया जाता। ये तो सबको हड़पते हुए विस्तार कर रहे हैं, यह संस्कृति रामणी संस्कृति है। अगर न समझ में आए तो मैं सलाह दूंगा अपने भाजपा के प्रवक्ता को, आचार्य चतुर सेन की व्याख्या पढ़ लें। ये तो सूरदास की काली कमरिया हो गया, चढ़ो न दूजोरन, सारा अनैतिक कार्य करिए और नैतिकता नैतिकता रटिए। गोयबल जी से सीख के आया है क्या राष्ट्रवाद? भारतीय राष्ट्रवाद सुभाष चंद्र बोस पैदा करती है, राम मनोहर लोहिया पैदा करती है, जयप्रकाश पैदा करती है, आचार्य नरेंद्र देव पैदा करती है। ये झूठ मक्कारी कहां से राष्ट्रवादियों ने सीख लिया? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, पंडित नेहरू की सरकार थी, नेहरू गोविंद वल्लभ पंत यहां के मुख्यमंत्री थे, दल बदल दिया आचार्य नरेंद्र देव जी ने, नेहरू जी ने कहा कि आप देश के सबसे बड़े विद्वान और बड़े लोगों में से हैं, आप चुनाव मत लड़िए, आप ऐसे ही सदन के सदस्य रहिए। क्या कहा था आचार्य नरेंद्र देव जी ने? उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब नैतिकता कहती कि मैं चुनाव लड़ जाऊं। यही गलती केरल की सरकार ने किया था, कम्युनिस्ट सरकार ने, उसको दुनिया की सबसे जघन्य सरकार की संज्ञा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, भाजपा के प्रवक्ता, पंडित दीनदयाल जी की डायरी पढ़ ले। आज अगर दीनदयाल जी होते तो योगी सरकार को दुनिया की सबसे जघन्य और अलोकतांत्रिक सरकार की संज्ञा देते। डॉक्टर कौशल मिश्र जी जवाब, क्या मजाक कर दिया आपने? बड़ी चालाकी से कहेंगे कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। दीनदयाल गलत, राजनाथ सिंह गलत, आडवाणी गलत, अटल जी गलत, सही खाली योगी जी। कौशल मिश्र जी जवाब दें, सब गलत तो खाली होगी जी, सही है क्या? ठीक है, टेक्निकली आप भले टेक्निकल ग्राउंड पर आप अपने आप को सही साबित कर लें, लेकिन नैतिकता टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं होती है ना, नैतिकता तो दिखनी चाहिए, वो दिख नहीं रही है। ये चलता है मान्यवर। चलिए दीपक जी जवाब दें, मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के सारे लोग बैठे हुए हैं, मान्यता बन गई या भाजपा से उनकी नैतिकता कहां चली गई थी? उनकी नैतिकता कहां चली गई थी जब केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा ये दायर किया गया था कि राम रहते ही नहीं है, राम एग्जिस्ट ही नहीं करते, राम हिस्ट्री नहीं है, राम मैथोलॉजी है, तब राम ये जो कल छोड़िए यहाँ जिसने मेहरबानी करिए हमारे आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, नैतिकता का मतलब
राम राज की स्थापना करना और राम राज की स्थापना करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आई है। इससे पहले विपक्ष के लोग किस नैतिकता की बात कर रहे हैं, उस नैतिकता की जिसने ये कहा कि राम राज राम थे ही नहीं, किस नैतिकता की बात करते हैं जिन्होंने जिन्होंने कश्मीर के धारा 370 खत्म करने के बाद ये कहा कि अनैतिक है, किस नैतिकता की बात कर रहे हैं। नैतिकता की बात ये विपक्ष ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि नैतिकता की बात करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आई है और इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखिएगा राम राज की स्थापना होगी। राम राज की स्थापना के लिए ही भारतीय जनता पार्टी आई है और जब पूरी तरह से राम राज स्थापित हो जाएगा तब आप देखेंगे इस तरह की नैतिकता की बात होगी। ये नैतिकता की जो बातें हो रही हैं ये इतिहास की बातें हैं ना, जब से संविधान लागू हुआ है तब से संविधान की बातें चल रही हैं। ये वही सरकार है, ये वही सरकार विपक्ष में बैठी है जिस सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दी थी तब नैतिकता नहीं समझ में आई थी, इतने सारे अनैतिक कार्य पिछले हुए हैं तब नैतिकता नहीं याद आई थी, आज जब सब कुछ नैतिक तौर पे हुआ है तो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं नाम ले रहा हूं, इमरजेंसी में विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी थे उपाध्यक्ष, वो कांग्रेस के नहीं थे, इमरजेंसी में भी इतना बड़ा पाप नहीं। आज भी जो इमरजेंसी चुने गए हैं ये समाजवादी पार्टी के हैं। अरे इमरजेंसी में डॉक्टर कौशल मिश्र जी, अब आप फिर उसी टेक्निकल ग्राउंड पर यही नैतिकता की है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पर आएंगे तो टेक्निकल ग्राउंड पर नैतिकता नहीं पड़ती ना। सारे लोग मिलकर पुष्पेंद्र वो डिस्क्वालीफाई करा देते अगर वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे, पुष्पेंद्र मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए। पुष्पेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर कौशल जी अगर इतनी नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं और राम राज्य की बात कर रहे हैं तो अगर ये नैतिकता में हैं तो क्या ये राम भगवान राम के नाम पे जो चंदा आया है उसमें चोरी करेंगे? क्या ये नैतिकता यही है आप देख रहे हैं? सुनिए, क्या यही नैतिकता है आपकी कि जल जीवन मिशन इतना बड़ा घोटाला करेंगे आप? क्या यही नैतिकता है आपकी कि कोरोना काल में जो जीवन रक्षक उपकरण आए हैं उसमें आप दलाली करेंगे? क्या नैतिकता आपकी भारतीय जनता पार्टी की यह है कि जो दलित बच्चियों के लिए अंबेडकर विद्यालय के भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार ने फंड जारी किया था उसके आपके मंत्री और विधायक मिलकर के बांट करके खा लेंगे? क्या ये आपकी नैतिकता है? ऐसी ही नैतिकता अगर आज आपने दिखाई है तो ये नैतिकता आपको मुबारक हो, हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है और ये बेहद अलोकतांत्रिक है। मैं आपको इस बात को दोहरा रहा हूं, देश में इमरजेंसी को इम्पोज करने वाली पार्टी तो कम से कम नैतिकता की बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगाती है, इसलिए अगर आप नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं तो फिर आपका काउंटर ये है। प्रदीप जी मैं चाह रहा हूं जवाब दें। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है और ये जब जब जिनको देने की बात करती है, जब किसानों की बात होती है किसान ये बताती है जो बिल लेकर आए हैं वो किसानों के हित में, पूरे देश का किसान कहता है कि हमारे हित में नहीं है और ये बिल वापस ले लीजिए। ये बार बार लाठी के दम पर गोली के दम पर लगातार ये बताने का प्रयास करते हैं, नहीं ये बिल किसान के हित में और किसानों ये बिल इस बिल का समर्थन किसानों को करना चाहिए। आज जब ये कहते हैं कि विपक्ष के नेता के हैसियत से अग्रवाल जी को इन्होंने उपाध्यक्ष का पद का समर्थन किया है तो आज समाजवादी पार्टी के लोग ये नहीं मानने को तैयार हैं कि ये प्रत्याशी हमारा है। हम ये कहते हैं मान लीजिए अगर ये चीज स्पष्ट है, अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही ये थे तो आप इनके समर्थन में जो समर्थन पत्र दिया गया क्या वो समाजवादियों का था या भारतीय जनता पार्टी का था? इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बार नहीं कई बार इन्होंने लोकतंत्र के साथ कुठाराघात किया और लोकतंत्र की हत्या करने के पेशेवर खिलाड़ी हैं। आज इससे बड़ा कुठाराघात लोकतंत्र पर नहीं होता जो आज उत्तर प्रदेश के सदन में हमने देखा। चलिए प्रदीप जी आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो कुछ भी हुआ आज सदन के अंदर अब उसके क्या रिफ्लेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और क्या इसका जो असर है वो आने वाले चुनावों में भी होगा, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।